हाँ आइए आइए। थैंक यू सर। आपने किस विषय से ग्रेजुएशन किया है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जी सर। और ऑप्शनल पेपर क्या है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र बहुत अच्छा। तो बहुत सारा चीज़ आपको तो जानकारी होगा समाजशास्त्र के बारे में। पढ़े तो मैं सर। तो समाजशास्त्र का और किन किन विषयों के साथ इंटर रिलेशन है? सर समाजशास्त्र का कई विषयों के साथ अंदर संबंध है। इसमें इतिहास होता है, अर्थशास्त्र होता है, राजनीति विज्ञान होता है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है। तो इतिहास से कैसे जुड़ा हुआ है समाजशास्त्र? इतिहास के बारे में कहा जाता है कि वो पहले के समाज का अध्ययन है और समाजशास्त्र वर्तमान के समाज का अध्ययन है या सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इतिहास में भी हम सामाजिक संबंधों के बारे में जान रहे होते हैं। इस तरह से इतिहास और समाजशास्त्र के विषय में समाजशास्त्र में हम लोग सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। जी सर। तो बताइए कि संस्कृति पहले आई या सभ्यता पहले? सर इस दोनों में थोड़ा सा विवाद है कि कौन पहले आया। जैसे दोनों ही मानव निर्मित है। जो मूर्त है वो सभ्यता है और जो अमूर्त है वो संस्कृति है। तो दोनों ही जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए आया है। तो यहाँ पर ये कहना कि कौन पहले आया है कौन बाद में है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश किया जाए, एक अनुमान लगाया जाए सर, तो कहा जा सकता है पहले विचार आएगा, फिर विचार के बाद ही वो मूर्त रूप धारण करेगा। मतलब पहले संस्कृति आएगी, फिर सभ्यता। देखिए इतिहास में तो हम लोग पढ़ते हैं पहले जो क्रोनोलॉजी है। जी सर। सिंधु घाटी सभ्यता इसका पीरियड पहले है। जी सर। पता नहीं संस्कृति उसका पीरियड बाद में। ये इतिहास में सर समय का अध्ययन करते हैं कि कौन सा समय में कौन सा चीज़ आया है, लेकिन समय के निर्धारण से हम ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य ने कब किस चीज़ को लाया है। संस्कृति के रूप में हमने पढ़ना शुरू किया। इतिहास में जो हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तनों का ही अध्ययन करते हैं ना। जी सर। जैसे सामाजिक परिवर्तन की अपनी एक धारा होती है, उसी धारा का एक अध्ययन अलग सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इतिहास में करते हैं। रूल तो एक ही होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन मेरा ये कहना है यहाँ पे कि हमने संस्कृति का अध्ययन बाद में करना शुरू किया, एक संस्कृत अध्ययन के रूप में। ठीक है। उप संस्कृति के बारे में जानते हैं? सब कल्चर। जी सर। ये क्या है? ये मुख्य संस्कृति के ही अंतर्गत होता है, लेकिन मुख्य संस्कृति का विरोधी नहीं होता। सर भारतीय संस्कृति में देखें तो पंजाबी संस्कृति, बंगाली संस्कृति, ये सब उप संस्कृतियाँ हैं सर, लेकिन ये विरोधी नहीं है। अच्छा, हमारी जो सरकारें होती हैं, सरकार राजनीति से सरकार बनती है, सरकार का काम है गवर्न करना, क्या सरकार का काम सोसाइटी को भी रेगुलेट करना है क्या? जी सर, अगर संविधान में इस चीज़ का जिक्र है कि सरकार को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, इसमें सामाजिक सुधार की ही बात अगर की गई है पूरी तरह से। बिहार सरकार कुछ ऐसे एक्ट के बारे में बताइए जिससे आप यह बता सकते हैं कि सरकार सोसाइटी का रेगुलेटर है। सर बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें अभी तो जो सबसे प्रमुख है उसमें हम शराबबंदी को देख सकते हैं। तो समाज को सीधा प्रभावित करने वाला जो चीज़ है। और बताइए, दूसरा बताइए, दूसरा बताइए। सर अभी सात निश्चय के माध्यम से कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, इससे भी समाज को। कौन सा पार्ट है समाज से रिलेटेड? जैसे महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, नल जल योजना है या फिर स्वच्छता है, ये सीधा सीधा सर समाज से जुड़ता है। दहेज उन्मूलन अधिनियम है, दहेज के उन्मूलन के लिए ना ये मानव श्रृंखला बनाई गई थी। जी सर। ना जो भी शामिल होगा इसमें हिंदू विवाह के बारे आप जानते होंगे। जी, कितने प्रकार के विवाह? आठ प्रकार के। नाम याद है आपको? जी सर बताइए। धर्म विवाह, दैव विवाह, आस विवाह, प्रजापाति विवाह, ये चार अधिमान्य विवाह हैं। और चार जो अधिमान्य हैं उसमें राक्षस विवाह है, पैसाच विवाह है सर, दो गंधर्व विवाह, एक और असुर विवाह। असुर विवाह। थैंक यू सर। अच्छा, ये मुस्लिम विवाह किस प्रकार भिन्न है हिंदू विवाह से? सर हिंदुओं में विवाह संस्कार के रूप में देखा जाता है
वहाँ पे एक अनुबंध है इस्लाम में। अच्छा अच्छा और अगर उद्देश्य को देखें हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में, हिंदू विवाह में सर उद्देश्य तीन है, उसमें पहले धर्म है, फिर प्रजा है, फिर रति है। लेकिन वहाँ इस्लाम में इससे अलग उद्देश्य है। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ दिया जाता है, कभी भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन हिंदू में भी तो देखते हैं, जैसा फिल्मी दुनिया में देखिए बहुत सारे जो स्टार हैं जी सर, शादी होती है फिर एक साल दो साल भी नहीं चलता, वहाँ ब्रेक हो जाता है। सर यहाँ नियम के रूप में नहीं देखा जाता है इसको, एक अपवाद है। और हालांकि अगर हाल के दिनों में देखा जाए तो इसकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसे नियम के रूप में नहीं माना गया है हिंदू धर्म सर। जी सर, लेकिन वहाँ नियम के रूप में माना गया है। अच्छा, हमारे हिंदू धर्म में हम लोग जानते हैं जैसे शादी विवाह भी, शादी का मौसम है जी सर, तो लड़की की शादी होती है तो वहाँ बोलते हैं लोग कन्या दान कर। जी सर, कन्या दान का तात्पर्य क्या है? कभी लड़का को दान करने की बात नहीं होती, कन्या को दान हम करते हैं सर। हम लोग जिस तरह के समाज में प्रतिष्ठात्मक समाज है, तो यहाँ पर कन्याएं ही अपने घर छोड़ करके ससुराल जाती हैं, इस वजह से कन्यादान कहा जाता है सर। वैसे मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, कि कन्यादान का जो कॉन्सेप्ट है हमारे समाज में जी सर, उससे महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है क्या? कहीं कोई समस्याएँ होती हैं महिलाओं को कन्यादान के भाव से? सर कन्यादान के भाव से नहीं आता, उसके अलावे जो चीज़ जुड़ता है महिलाओं में, या पहले से जो महिलाओं के प्रश्न है, कन्यादान से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति स्टेटस में कुछ गिरावट आई है या आती है, ये सब बताइए। नहीं सर, नहीं, हम लोग हिंदू समाज जानते हैं कि बस जो दान दी गई वस्तु फिर वापस नहीं लेना है। एक बार बेटी की शादी हो गई तो फिर वो दोबारा नहीं आ सकती है, और जानते हैं कि बेटी की डोली जाती है और अर्थी वापस आती है, इससे स्थिति खराब नहीं होती है लड़कियों की? सर हम जहाँ तक समझते हैं कि हर व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, और हर एक नियम के कुछ सकारात्मक हैं तो कुछ नकारात्मक भी पक्ष होते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था को बना के रखने के लिए भारत में सभी पुराना नियम चला आ रहा है, और इसे आज तक कोई चैलेंज नहीं किया है सर। तो इसके माना जा सकता है कि इसकी उपयोगिता है, ये प्रासंगिक है। नहीं, कोई चैलेंज नहीं किया है तो मतलब नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं ना, गलत रहेगा तो गलत रहेगा, सुधार किया जा सकता है ना। जी सर, ऐसे दहेज चल रहा था वो तो चैलेंज नहीं करते थे, बिहार के मुख्यमंत्री ने मानव श्रृंखला बनाया, पूरा प्रचारित प्रसारित किया, जिस कानून को प्रभावी करने के बहुत सारे है और नियम बनाए गए, तो चैलेंज तो होता है, समय की मांग होती है सर। बिल्कुल चैलेंज तो होते रहा है और होता ही रहेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इसका विकल्प नहीं ढूंढ पा रहा हूँ भारतीय समाज में सर। अच्छा, दूसरे समाज में तो आप एस डी एम अगर बनाए जाते हैं जी सर, तो आप सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए अपने एरिया में या सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे? एज एस डी एम बताइए सर, जो कार्य दिए जाएंगे, जो भी योजना होगा या जो कानून होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन पारदर्शिता के साथ सही समय पर पूरे जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले को करने की कोशिश करूँगा। फीडबैक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करूँगा कि सोसाइटी या जो भी मुझे काम दिया गया किसी क्षेत्र में, तो वहाँ उससे जुड़े हुए चीज़ जो भी है पहले जानूँ कि यहाँ क्या करना है और क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारे चीज़ पर काम करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके। ये बताइए वैश्वीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से? सर वैश्वीकरण का समाज पे काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसमें हम अलग अलग समुदाय, अलग अलग उम्र के व्यक्ति, अलग अलग क्षेत्र, यहाँ पे सब अलग अलग देखा जाता है। उसको महिलाओं पे बताइए क्या प्रभाव? सर महिलाओं पे वैश्वीकरण का प्रभाव सकारात्मक रूप से देखा गया है, खास करके भारतीय समाज में, क्योंकि यहाँ जो पर्दा पड़ता था या महिलाओं को चार दीवारी में रहने का, ये कहना चाह रहे हैं कि पर्दा पड़ता कम हो गया? ठीक है जी सर। और कुछ नया तीन चार बताइए मुख्य जो समाज में बदलाव आया? जी सर, उसके अलावा सर अगर देखा जाए तो महिलाएं जो है आर्थिक रूप से सशक्त होना सीखी हैं। गांव तो ऐसे ही है, भारत गाँव में बसता है जी सर, और अधिकांश आबादी गाँव में रहती है, क्या बदलाव है? आर्थिक तो वहाँ सशक्त प्रभावकारी हुआ है सर? भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें हैं, इसका अलग अलग इफेक्ट है सर। लेकिन
मैं आपसे सहमत हूँ कि नगरीकृत क्षेत्र जी सर में प्रभाव आया है, लेकिन ग्रामीण में क्या प्रभाव आया है ये बताएं सर। समाज में अगर देखा जाए तो सिर्फ ग्रामीण और मैं ग्रामीण की बात जानना चाहता हूँ जी सर, क्या ग्रामीण आया है कुछ बेझिझक बोलिए, आप गलत बोलेंगे ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए। मैं सर ड्रेस सेंस वगैरह भी देखते हैं कि चेंज हुआ है महिलाओं में, खासकर लड़कियों में, और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस भी एक चीज आया है। देखिए सोशल मीडिया है जैसे अन्य है संचार प्रौद्योगिकी, उसका प्रभाव आया महिलाओं में जी सर, कई ग्रुपों में, गांव में भी लोग देखते हैं जी, मोबाइल आ गया, टीवी भी है, ऊर्जा की व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो कमोबेश जो चीज़ें हैं वहाँ भी बदलाव की एक प्रक्रिया है जी सर। सापेक्ष रूप से शहरी क्षेत्र नगरी और शिक्षित वहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, लेकिन बदलाव की एक प्रक्रिया है। अच्छा वृद्धों पर क्या प्रभाव हुआ है? वृद्धों में सर मुझे लगा है कि अकेलापन हुआ है, एकांगी जीवन, एकांगी जीवन, क्योंकि उन लोगों से जो कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है मैं सहमत हूँ, और कुछ बताइए प्लीज, हम लोग ये कहेंगे सर। मैं आप हमें ये बताइए राज्यसभा के अधिकार होता है, राज्यसभा के अधिकार सर विधेयकों पर है, जैसे धन विधेयक के अलावे जो संविधान संशोधन विधेयक है या संविधान विधेयक। ठीक है मतलब एक विधेयक जो संशोधन से संबंधित जी सर, तो ये तो एक अधिकार है, कुछ दो तीन जो मुख्य हैं वो किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर, किस अनुच्छेद में सर? ये अनुच्छेद 312 सर अभी। ठीक है 312 और बताइए राज्य सूची के विषय में विचार बताइए। अच्छा संविधान में समता का अधिकार दिया गया है जी सर, ये मूल अधिकार में है, तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से? ये अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 15 क्या है? अनुच्छेद 15 में धर्म मूल वंश जाति के आधार पर विभेदीकरण पर रोक लगाने का, विदेशी लोगों को मिल पाएगा या नहीं ये संरक्षण? नहीं सर, ये सिर्फ भारतीय नागरिक। अच्छा भारतीय नागरिकों को क्या क्या दिया गया है अनुच्छेद, कौन कौन से उनके अधिकारिता विशेष दिए जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त हो गया? सर इसको पूरी तरह से देख लेना होगा, हम लोगों को याद नहीं। अच्छा आजकल हमारी जो इकोनॉमी है कैशलेस की ओर बढ़ती जा रही है जी सर, इसमें साइबर सुरक्षा की समस्या बन गई उभर रही है, क्या है समस्या? सर बैंकिंग फ्रॉड जो हो रहे हैं खास करके नेट के माध्यम से जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। हाँ गुड गुड, ये तो सही है, और सब लोग इसके बारे में अवगत नहीं है, लेकिन जो हैकर्स हैं जो इसके साथ फ्रॉड करने वाले लोग, मैं समझ गया कि जो बैंकिंग है इशू जो हो रहा है जी सर, कोई कमेटी वगैरह गठित की गई हो उसके लिए? जी सर एक कमेटी गठित हुई है, कुछ सर याद नहीं आ रहा है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भारत हिस्सा प्राप्त किया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। अब ये बताइए किसान रेल परियोजना क्या है? सर किसान रेल परियोजना अभी शुरू हुई है, हाँ बजट में जी सर, और वो कुछ दो जगहों को दो दिल्ली और अहमदाबाद और एक इधर से है सर। नहीं देखिए आप गलत जा रहे हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये है कि ऐसे प्रोडक्शन जो हमारा बिहार से भी है दानापुर से है जी सर, फल सब्जी वगैरह जो खराब होने वाले हैं तो प्रशीतक के माध्यम से ट्रेन में जी सर उसको ले जाया जाएगा और मंडी वगैरह में बेचा जाएगा, तो ये इस बजट में हो चुका है बिहार से भी दानापुर से ट्रेन में जाएंगे, कमोवेश यही है। और कृषि उड़ान योजना क्या है? सॉरी सर ये उड़ान है ना, ये ऐसे जो यथाशीघ्र खराब होने वाले हैं जी सर फ्लाइट के माध्यम से किया जाएगा, तो ये है। आप थोड़ा मैं ये गरीबी को परिभाषित कीजिए समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से। सर गरीबी का परिभाषा तो अच्छे से अर्थशास्त्र में दिया गया है। नहीं आप ठीक है एक सामान्य परिभाषा बताइए समझने के लिए क्या है? सर व्यक्ति को मूलभूत व्यक्ति को मूलभूत सुविधा तक पहुंच से वंचित रहना,
क्या मूलभूत सुविधा है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। राजन कमेटी की रिपोर्ट बताइए क्या है। सॉरी सर, रिपोर्ट याद नहीं। तेंदुलकर कमेटी की याद आ रही है जिससे वहाँ पे क्या दूरी को लेकर के कैलोरी को आधार बनाया गया है। सर चलिए ठीक है, इस पर देखना होगा हम लोगों को। प्रति व्यक्ति आय है सर, कैलोरी है। एक अच्छे अच्छी ये बताइए, महात्मा बुद्ध का क्या सिद्धांत है। महात्मा बुद्ध का सिद्धांत तो सर मध्यम मार्ग को लेकर के है, और सारे सिद्धांत मतलब मध्यम मार्ग को है, तो उसका प्रशासन में क्या यूज करेंगे। प्रशासन में सर मध्यम मार्ग का इस्तेमाल ये है कि सारे चीज़ों के लिए संतुलन बना के चलिए। गुड। हाँ, जो हमसे एक्सपेक्टेशन है और जो हमें अधिकार दिया गया है, दोनों के बीच एक तनाव होता है, इस तनाव के बीच संचार आपसी द्वंद ऐसा उत्पन्न होता है, तो उसमें एक आइडियल अप्रोच जो है इस तरह की बात करनी चाहिए। अच्छा इंटरेस्टिंग बताइए सर, सैयद अहमद खान के बारे में कुछ बताइए, क्यों चर्चित रहे हैं। सर सैयद अहमद खान भारत में 1885 से पहले वो एक्टिव रहे हैं। सर क्या मतलब क्या उपलब्धि है जो आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं किसी भी रूप में, क्या वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया कर। बाद में तो मुकर गए वो। सर बाद में मुकरे हैं जब 1885 के बाद जो कांग्रेस का गठन हुआ है, या 1885 से पहले ही सर वो मुकरना शुरू कर दिए। कुछ इनके द्वारा कुछ और योगदान बताइए, याद आ रहा है तो ठीक है। सर लॉकडाउन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण में स्वच्छता की वृद्धि देखी गई और तौर पर है ना, आपकी प्राथमिकता क्या है, किस पद पे आप जाना चाहते हैं। सर शुरू में तीन है, पहला बिहार प्रशासनिक सेवा। अच्छा ये बताइए आप किसी जिले में आपकी पोस्टिंग है तो कोरोना से कैसे निपटेंगे आप। एक जो भारत सरकार की गाइडलाइन है वो तो है जी सर, उसके अलावा कुछ कैसे पहल करेंगे और बेहतर हो सके। सर कोरोना का जो समय बीता है इसमें काफी जनता के बीच में भी बहुत कुछ पहुंच चुकी है, प्रशासन भी इसको कुछ नया बताइए। जो ट्रेनेशन चला रहा है मास्क का ये वो तो पता है, मतलब कुछ नया क्या करना चाहेंगे बिहार की पृष्ठभूमि बताइए। जागरूकता वगैरह तो करेंगे ही आप अपने समझ तरीके। आत्मनिर्भर भारत क्या है। क्या सर आत्मनिर्भर भारत। हाँ सर पांच पिलर्स की चर्चा की गई है वो बताइए, और वो पांच पिलर्स सर ठीक से याद नहीं है। वो आप एक उसके पॉइंट्स बता रहे हैं, केंद्र सरकार का गाइडलाइन है जी सर। आप कभी असफल हुए हैं जिंदगी में। जी सर असफल। तो उससे क्या सीखे। उसे ये लगा कि और ज़्यादा सशक्त होने की जरूरत है, अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है, और असफलता एक स्टेज होता है, इस स्टेज को दूर करने की जरूरत है, इसे आगे बढ़ने की जरूरत है। एक प्रशासक के रूप में पांच गुण बताइए क्या होंगे। सर कुछ तो गुण जो जानते हो वही बताओ, डरने की बात नहीं। सर एक तो पारदर्शिता मेंटेन करना चाहिए, समय पे सर्विस पहुंचाना चाहिए, शिकायत सुनने का धैर्य होना चाहिए, उसका निवारण होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा सर। आपने चेस अपनी हॉबी लिख रखी है। जी सर। चेस के खिलाड़ियों को जो सुपरदेश खिलाड़ी होते हैं उनको एक उपाधि दी जाती है, उनके नाम में यूज़ किया जाता है, वो वर्ड बता सकते हैं। ग्रैंड मास्टर। अच्छा ठीक है, इंडिया के दो और वर्ल्ड के दो ग्रैंड मास्टर का नाम बता सकते हैं। जी सर। एक तो विश्वनाथन आनंद और दूसरा भी पुनर्जन्मी है। उन्होंने कुछ बुक लिखा था याद नहीं आ रहा है, जी सर मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो हॉबी है ना सर। नैनिस कार्लसन है सर, नॉर्वे के। ये बताइए चेस गेम है या स्पोर्ट्स, गेम और स्पोर्ट्स में क्या अंतर। सॉरी सर। ठीक है, आपने दूसरी हॉबी जो रखी है रीडिंग फेस एक्सप्रेशन। एक दुनिया के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने जेस्चर पोस्चर के रिगार्डिंग या इस चीज़ों पर फेस रीडिंग पर काफ़ी कुछ लिखते हैं, उनका नाम बता सकते हैं आप। सॉरी एलन पीज है शायद।
अच्छा, तो किस तरह से करते हैं आप ये फेस एक्सप्रेशन रीडिंग? ये तो साइकोलॉजिस्ट का काम है सर, ये मेरा नेचुरल रहा है। समझने से मेरे बारे में बताइए क्या लग रहा है कि आपको सिलेक्ट करने वाले हैं? हाँ, कुछ भी जो आप रीड कर रहे हैं, सिलेक्शन से सिलेक्शन रिजेक्शन दिमाग सोचता जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा। फेस रीडिंग वहाँ नहीं लिखना है, फेस से पीछे रह के बनावट कैसा है क्या बताना चाहते हैं बताइए। हाँ, जो खुल के डरने की बात नहीं है, नंबर मिलेंगे। सर सर का चेहरा देखने से ये लगता है ना कि कुछ कूल लोग हैं ये। मैं अपने बारे में नहीं बता रहा सर, सर की पर्सनैलिटी बता रहा हूँ। बहुत कूल हैं और चीज़ों को धैर्यपूर्वक हैंडल करते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करते हैं। ये सर अच्छे से दिख रहा है। और अच्छा, सर के बारे में क्या लगा कि हॉबी है तो कई लोगों का देखते हैं मुझे आप बताइए। वो डरने की बात नहीं, सर को देखने से लगता है बहुत अनुशासन प्रिय लोग मुझे। और कुछ नेगेटिव बताइए। अच्छा हाँ, ठीक है, नेगेटिव चलिए। आपने थोड़ा आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है, मुझे थोड़ा ये बतलाइए कि बहुत एक वर्ड है सेक्युलरिज्म, उसका लोग कुछ लोग धर्म निरपेक्षता अनुवाद करते हैं और पंथ निरपेक्षता अनुवाद करते हैं, ये विवाद क्यों है? धर्म निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता क्यों? जब एक वर्ड है तो उसका एक अनुवाद होना चाहिए, ये कन्फ्यूजन क्यों है? सर धर्म और पंथ शब्द में ही अंतर है, अंग्रेजी का तो एक ही शब्द है सर सेक्युलरिज्म। धर्म थोड़ा व्यापक अर्थ में लिया जाता है और पंथ थोड़ा सा उसके अंदर का चीज हो जाता है। सर पंथ के बारे में कहा जाता है कि एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विचारधारा जो होता है वो पंथ होता है, धर्म किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है सामान्यतः, वो एक व्यापक विचारधारा होता है। तो इसी वजह से धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में एक अंतर मैं ये देख पा रहा हूँ। जहाँ तक बात रही विवाद की, तो उसके पीछे का विवाद यही हो सकता है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये एक विवाह पद्धति के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक मान्यता दी है नी मीन रिलेशनशिप को, ये कहाँ तक जाए? जब हम लोग जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखते हैं जो अवसाद और आत्महत्या या हत्या की संभावना, ये कहाँ तक उचित है कि महानगरीय जीवन शैली में भी एक स्त्री पुरुष बिना विवाह के एक ही छत के नीचे रहें? ऐसे में क्या कभी प्रॉब्लम नहीं होगा? जैसे विवाह रूपी संस्था संतान को एक पहचान देती है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप जो कोर्ट ने मान्यता दे रखी है, इससे क्या आगे जाकर के और कॉम्प्लिकेशंस नहीं उभरेंगी? इसकी संभावना तो है कि जटिलता हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है खासकर औद्योगिकरण के बाद, उसका असर तो भारत को ही है। तो बड़े शहरों में लोग करियर को बनाने के लिए तो ये लिव इन रिलेशनशिप जरूरी है। सर कई बार क्या देखा गया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो टिप्पणी था उसमें कि जरूरत हो गया है लोगों को मान्यता दे देने का, क्योंकि लिविंग में तो रहते ही हैं लोग और उससे संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो वहाँ बच्चों के साथ प्रॉब्लम शुरू होना होता है कि अब इन बच्चे का माँ बाप कौन होंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम इसको मान्यता दे दें ताकि ये डिफाइन तो हो सके कि हम उनको आगे कैसे परवरिश कराएं, किनके जिम्मेदारी में रहें। सर ये सारा चीज़ देखा गया है। तो क्या आप लिविंग रिलेशनशिप का समर्थन करते हैं? हमेशा तो नहीं, लेकिन अगर जरूरत है तो होना चाहिए। ठीक है, आप इसके फेवर में हैं? मतलब अगर आपको ऐसा लगे जी सर, तो जाएंगे इसको? सर ये सिचुएशन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सर मैं अभी अपने लिए वैसा परिस्थिति नहीं देख पा रहा हूँ। ये बताइए कि अवसाद क्या है, डिप्रेशन किसको कहते हैं? अभी जो कोरोना लॉकडाउन हुआ है जिसमें लोग बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट हमने दे दिया है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की लोगों को जरूरत है, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन क्या है? सर लोग मानसिक रूप से निराशा का उस स्तर पर चले जाते हैं जहाँ से निकल पाना उनको खुद से नहीं निकल पाते, उनके अंदर वो उत्साह खत्म हो जाता है बाहर निकलने का। जाति एथनिसिटी आपने वर्ड सुना है, एथनिसिटी प्रजाति, जाति और प्रजाति में क्या अंतर है? जी सर प्रजाति मुख्य रूप से जैविक आधार पर निर्धारित होता है। कितने प्रकार की प्रजातियों में मानव समुदाय को बांटा जाए? सर अगर मुख्य देखा जाए तो तीन है, मंगोलॉयड है, प्रोटोस्टेरॉयड है, निग्रॉयड है। प्रोटोस्टेरॉयड सर उसके अंदर फिर सब डिवीजन में आता है। किसके सब डिवीजन में प्रोटोस्टेरॉयड है? सॉरी सर अभी चार प्रजाति है, प्रोटोस्टेरॉयड अलग है। थैंक यू सर। शायद यूरोप के हैं, निग्रॉइड अफ्रीका के हैं। अच्छा एक सेकंड,
आपने बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लिया है, ये बताइए कि बिहार में की जो मुख्य समस्या है इसको आप क्या मानते हैं? मतलब इंडस्ट्री का कम होना ज़्यादा है या फिर कृषि का औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा? जैसे हम देखते हैं कि अभी पतंजलि जैसी कंपनी है जो 15,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, जी सर, और क्या बिहार में इस तरह की कंपनी का विकास क्यों नहीं हो पाया? सर, हमें लग रहा है कि जो बिहार का जो मेन पिलर था कृषि का ही उचित विकास नहीं हो पाया है। अगर कृषि का उचित विकास हो पाएगा तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम कर पाएंगे। तो कब होगा, किस तरह से होगा? बिहार के पास ऐसा क्या रोड मैप आपको देखता है? क्योंकि इंडस्ट्रीज तो पिछले 15-30 वर्षों में आपने प्रयास कर लिया, दुनिया के किसी भी स्थान, अभी चाइना से जितनी कंपनी गई वो सब तो वियतनाम चली गई, जिस इंडिया आई कोई भी कंपनी, चूँकि यहाँ के लेबर लॉ वगैरह हैं, सोशल इशूज, अभी पॉलिटिकल रोड जाम वगैरह देख ही रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल एक पिक्चर जाता है। तो FDI के तहत तो आपके यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, अब तक नहीं आया और आगे भी भगवान जाने कितना आएगा। तो हमारे देसी उद्योगपति क्यों नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, जबकि हम जानते हैं दुनिया, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का था? मगध स्टॉक एक्सचेंज। तो फिर क्या ऐसा चीज़ है जो बिहार को पैरों को खींच रहा है? सर, बिहार का अपना एक विशेष परिस्थिति है और इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रख करके इसको विकास करने की जरूरत है, जिसमें हम कृषि को ही प्राथमिकता देंगे, कृषि पे ही जोर दिया जाए। यहाँ पर कृषि अभी भी जीवन निर्वाह करता है सर, इसको ऐसे जैसे जैसे दूसरे राज्य हैं, भारत के जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पर कृषि, अभी भारत, बिहार के एक नेता ने कहा कि हमारे पास समुद्र तट नहीं है, लेकिन हमारे पास दो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, हम नेपाल से भी सकते हैं और बांग्लादेश से भी हो सकते हैं। नेपाल एक ऐसा है जो एग्रीकल्चर डेफिशिएंट कंट्री है, बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जहां से हमारे यहां लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं, आप देखेंगे कई क्षेत्रों में। तो बिहार ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है कि बिहार से आप जब भी देखेंगे बाहर जाने वाले लोगों की संख्या या तो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं या तो मजदूर हैं, बिहार के अंदर डेवलपमेंट यहाँ के राजनेता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसको कैसे दूर किया? मुश्किल हो रहा है जवाब देना मेरे लिए, क्योंकि कई सारा चीज़ मुझे दिखता है। बताइए। जैसे कनेक्टिविटी के लिए अभी अभाव, अगर हमारे पास समुद्र नहीं है तो मैं कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ बिहार में, रोड, रेल, हवाई और पानी, अगर इन तीनों को, चारों को जोड़ दिया जाए तो हम जो पोर्ट की कमी है उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं सर। जैसे सर अभी मिथिलांचल से सर हैदराबाद जाता है, मुझे कुछ क्षेत्रीय समस्याएं बताइए कि बिहार के किस क्षेत्र में कौन सी समस्या, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? मुख्य समस्या तो सर उत्तर में बाढ़ की है और दक्षिण में सूखा की है। अगर हम पूर्व चले जाते हैं तो वहाँ अतिवर्षा है और पश्चिम में चले जाते हैं तो वहाँ कम वर्षा है। कुछ जातीय संघर्ष वाले भी तो कुछ जिले हैं क्या? जी सर, कुछ जिले हैं जो जातीय संघर्ष के हैं, जैसे दक्षिण में अगर चले जाए तो गया, जहानाबाद जैसे जिला है वो जातीय संघर्ष वाले जिले हैं। आप समाधान बता सकते हैं, तीन समाधान जो आप अगर बिहार के लिए तीन ऐसे समाधान बताइए जिससे आप बिहार को जो एक सम्मानजनक स्तर पर और पहुंचा सकें? सर, पहला तो कृषि पर अनुसंधान और उसको ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो भी जो जो चीज़ की ज़रूरत है, चाहे उस राजनीतिक स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, टेक्नोलॉजी के स्तर पर हो, किसान या समाज के किसी भी वर्ग के स्तर पर हो, सबको कृषि के लिए प्रेरित करना और उसको लाभकारी बनाने का प्रयास करना। दूसरा, शिक्षा को स्ट्रॉन्ग करना, खास करके युवाओं की शिक्षा के लिए और प्रोफेशनल शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा बोलते हैं जिसको, उस पर हम काम करने के लिए बोलेंगे। और चौथा सर, कानून और संविधान का जो भी नियम है उसको पारदर्शिता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ लागू करने के लिए। थैंक यू सर।